तुम्हारे पतन का कारण तुम स्वयं हो। हमारे पतन का कारण हम स्वयं हैं। कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वो अचूर्ण न हो। झूठ कहते हैं वो लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी तो दिख कैसे सकती है? यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है, सत्य तक पहुंचने तक का मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं उसका मार्ग गलत है यह मानना गलत होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। संप्रदायों मार्ग हो सकते हैं लक्ष्य नहीं, साधक और साध्य के बीच साधना है। साधना भी मार्ग हो सकता है, वह भी भिन्न हो सकती है। एक ही संस्कृति के अनुयायियों की साधना भी भिन्न हो सकती है। अतः साधना की भिन्नता से, संप्रदायों की भिन्नता से हमारी संस्कृति में भेद नहीं हो सकता। संस्कृति तो सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य है, जीवन की एक पद्धति जिसके हम सभी अनुयायी हैं। यह हमारी पद्धति है, यह हमारा अनुशासन है और यही संस्कृति हमें भिन्न भिन्न उपासना के मार्ग देती है। जीवन की एक पद्धति और उपासना की दूसरी पद्धति में कोई संघर्ष नहीं जब तक वो सत्यनिष्ठ ना हो। इसलिए दूसरों का मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न हो तो चिंता मत करो, विचलित मत हो। अपनी आस्था को संजोड़ कर रखो और समय समय पर उनका मूल्यांकन करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। या तो सीधी समझने आने वाली बात है। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो कारण बाहर नहीं भीतर है। चुनाव सत्य का आधार तुम छोड़ते हो तो चुनाव के लिए कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? यही तुम्हारे पतन का कारण है और यही समाज के पतन का भी कारण है। चुनौती स्वीकार करने के बजाय ईर्ष्य करते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं। यदि सत्य जीवन मूल्य में तुम्हारी इतनी आस्था है तो मुझी कर दिखाओ। तुम्हारा कृतित्व ही तुम्हारा इतिहास हो सकता है और तुम्हारा इतिहास बनाने का तुम्हें अधिकार है, सामर्थ्य है। टूट कर दिखाओ, कर दिखाओ, उदाहरण बनो, उदाहरण रखो। किसने तुम्हें रोक के रखा है? बढ़ो, आगे बढ़ो। ओम उठिष्य भारता।